हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी जायका। आज हम बनाएंगे मार्केट जैसे दही बड़े। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए हम मार्केट जैसे दही बड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने 2 कप उड़द की दाल ली थी, इसे मैंने 6 घंटे भिगा कर रखे थे। अब ये फुलकर डबल हो चुके हैं। हमारी उड़द की दाल रेडी है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल चुके हैं। हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। इसे हम एक मिक्सर के जार में डालकर इसका अच्छे से फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमारा पेस्ट बन चुका है, इसे मैंने बहुत बारीक पीस लिया है। इसी तरह से आपका भी टेक्सचर होना चाहिए, क्योंकि अच्छे दही बड़े बनाने के लिए उसका बैटर अच्छा होना चाहिए। इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी। एक चुटकी जितना बेकिंग सोडा डालूंगी। आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बड़े अच्छे से फूल जाए। 2 छोटे चम्मच पानी ऐड करूंगी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो अच्छे से सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाए। इसमें चाहिए तो आप और भी पानी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा पतला करने के लिए, ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है एकदम फूल गया है। इसी वजह से हमारे जो दही बड़े हैं वो सॉफ्ट बनेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपको बैटर को फैलाना है अच्छे से, बिल्कुल इसी तरह का बैटर होना चाहिए। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है, गैस को मीडियम फ्लेम में रखेंगे। हाथों को हम भिगोते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा बैटर ऑयल में डालते जाएंगे ताकि बैटर जो है हाथों में चिपके नहीं। उड़द की दाल चिकनी होती है। शेप की यहां बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जैसे ही बड़े ऑयल में जाएंगे खुद ब खुद शेप ले लेंगे। इसे हम 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे, अंदर से बिल्कुल भी कच्चा ना लगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। अभी दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं परफेक्टली हमारे वड़े फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से हमें सारे वड़े को फ्राई कर लेना है। एक वड़ा मैं आपको दिखाती हूँ कि बीच में से कैसे बना है। कभी कभी अंदर से अनकुक्ड रह जाता है। तो देखिए हमारे वड़े प्रॉपरली फ्राई हो चुके हैं। ये सॉफ्ट है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। इसे आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। हमारे वड़े ठंडे हो चुके हैं, अब इसे हम गुनगुने पानी में डालेंगे। पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। अब इसे हम 10 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखेंगे।
तब तक हम दही बना लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 500 ग्राम दही और दही थोड़ा क्रीमी और थिक होना चाहिए ताकि खाने में बहुत ही डिलीशियस लगे। अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 कप पानी। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जब तक हमारा दही सॉफ्ट एंड स्मूथ ना हो जाए, इसी तरह हमें एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहना है, हमारा दही क्रीमी हो जाएगा। हमारा खट्टा मीठा दही रेडी है। अब जो ये वड़े हैं, उसे हम दही में डालेंगे, उसमें जो भी पानी है दबाकर निकालेंगे। वड़े को ज्यादा दबाना नहीं है वरना हमारे वड़े टूट जाएंगे। अब सारे वड़े को हम दही में डालेंगे। अब सारे वड़े को हम दही में डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ताकि दही जो है सारे वड़े पर कवर हो जाए। अब हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए 1/2 घंटा रखेंगे। अभी 1/2 घंटा हो चुका है और हमारे दही वड़े भी ठंडे हो चुके हैं। इसके ऊपर डालेंगे इमली की चटनी। ग्रीन चटनी जीरा पाउडर लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर लीव्स आप देख सकते हैं हमारे दही बड़े रेडी है। कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे दही बड़े। अब इसे हम टेस्ट करने के लिए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये दही बड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।